हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहार, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 दिसंबर, आप सभी को मैरी क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। हम जा रहे हैं अभी गौशाला, 2 बजे हैं अभी दोपहर के, और जीटी रोड पर गए तो वहाँ बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। जाम में ऐसे फंस गए कि गौशाला पहुँचते पहुँचते पौना घंटा लग गया, जबकि मुश्किल से मेरे घर से ना 10-15 मिनट का ही रास्ता होता है एक्टिवा से जब जाते हैं। तो गौशाला हम पहुंच गए हैं और वहां जाके देखा कि जो मैं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ये उन वर्कर्स के बच्चे हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, इस टाइम गायों की सेवा करते हैं। और उधर कुछ वर्कर्स हैं वो तूड़ा वगैरह बांध के अंदर डाल रहे हैं, वहां से अभी किसी ने या तो दान में दिया होगा या खरीद के भी लाना पड़ता है इनको, अगर कोई नहीं देता है तो गायों के लिए खत्म हो जाता है। और एक तरफ उधर वो ट्रॉली में जो है ना गोबर वगैरह डाल रहे थे, सब काम कर रहे थे। बहुत अच्छी केयर हो रही है वहां पे गायों की। फिर उधर घूमे फिरे देखे, इधर इसके पापा ने अपना जो करना था वो कर दिया, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर होता है कि हमें कितना देना है कितना नहीं देना है, वो सब मैं नहीं बताऊंगी। बाकी हम जाते हैं देते हैं, हमारा मन होता है, अच्छा लगता है हमें किसी त्योहार पे या कोई बच्चों का जन्मदिन हो तो उसमें अच्छा लगता है ऐसे जाना। तो वहां फिर मैं तो चली गई अपना कैमरा लेके आगे कि भाई हम जहाँ दान पुण्य करते हैं, देखे तो सही कि भाई ये सही से उनकी देखभाल कर भी रहे हैं कि नहीं। बट वहाँ पे बहुत अच्छी गायों की केयर हो रही थी, अंदर गायें बंधी हुई थी और ऐसे अच्छे अच्छे पर्दे वगैरह लगाकर और अंदर गायों को बांध रखा था, चारा डाल रखा था, बढ़िया चारा डाल रखा था। ये नहीं है कि भाई ऐसे कुछ भी डाल दिया, नहीं, अच्छा चारा डाल रखा था और सारी गायें कुछ अंदर बंधी हुई थी। और वहां जाकर तो थोड़ा मन बहुत खुश हो गया, बल्कि मैं बीमार थी लेकिन वहां जाके ना थोड़ा अच्छा फील हुआ मुझे। वहां पे ट्रैक्टर वगैरह खड़े थे क्योंकि ये भी इनको चाहिए होते हैं गौशाला वालों को, पर भैया अगर गौशाला में हमारे जैसे सहयोग नहीं करे ना तो फिर गौशाला नहीं चलती है। इसलिए फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत आप भी गायों के लिए निकाल दिया करो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जब मन करे तब वहां पे दे आया करो जा करके। इससे क्या होता है ना कि जैसे जो गायें होती हैं उनको कुछ खाने पीने को मिल जाता है, उनकी सेवा होती है, वरना ये जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पे जो गरीब बंदे लगा रखे, सैलरी तो गौशाला वालों को इनको भी देनी होती है, ये भी अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर इनको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो समाज को आगे तो आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तभी तो कुछ चलेगा, वरना तो भाई ऐसे तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे ना थोड़ा आगे मैं गई भी देखूँ तो सही, सारी गायों की अच्छी केयर हो रही है कि नहीं हो रही है, सभी गायों के लिए पर्दे लगा रखे थे अच्छे मोटे मोटे और अंदर गायें सारी बंधी हुई थी। मैं पूरा देख दाख के आई कि भैया मन को तसल्ली होनी चाहिए। फिर आगे गई तो वहां पे ना एक लड़का और एक लड़की, साथ में उनके पापा जी भी थे, यही 13-14 साल की लड़की होगी, यही 15 साल का लड़का होगा, दोनों बहन भाई गायों की ना सेवा कर रहे थे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई आज के टाइम में भी चलो कुछ युवा तो हैं जो गायों की सेवा करते हैं और गौशाला आते हैं, इसको अपना धर्म मानते हैं। तो वहां पे जैसे उन बच्चों को देखा, मेरे को बड़ी खुशी हुई उन सबको देखा। बस फिर यूं ही थोड़ा देख दा के और वहां पे अपना दे के जो देना था और हम लौट आए हैं अब घर पे, और अब हम घर पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब आ गए हम घर। मेरी तो ना बाहर निकल के हालत खराब हो गई, इतनी ठंड है बाहर, मुझे अंदाजा ही नहीं था। ये तो मुझे पता था कि ठंड बहुत हो रही है, घर के अंदर ही इतनी लग रही है, पर बाहर मुझे 10-15 दिन से मैं कहीं गई ही नहीं थी, घर के अंदर अंदर ही अपना काम करती रहती थी। तो घर में तो फिर भी इतनी नहीं लगती है, फिर भी मुझे सर्दी खांसी तो लग ही गई क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे ना तो पानी में ज़्यादा भीग गई थी, तो और देर तक मैं और काम करती रही, पोछा लगाया, ये काम किया। अगर कपड़े धो के उसी टाइम नहा लेती ना गर्म गर्म पानी से तो शायद ये ठंड ना भी लगती, पर मैंने आलस कर लिया कि कपड़े तो भीगे हैं, ये है वो है, पोछा लगा देती हूँ, ये कर देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, उन काम के चक्कर में ना अपने शरीर को ही बिगाड़ लिया मैंने तो। और अभी इतनी सांस में ऐसा हो रहा है बिल्कुल जैसे ना उठूँ ही ना काम करने के लिए, पर उठना पड़ेगा। वैसे ये गए हम किचन में चाय बनाने के लिए, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, चाय बना के पिला देते हैं। भाई आपके पतिदेव भी पिलाते हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। ये अब चाय बना कर लाएंगे और मेरी सासू जी को दूध गर्म करके देंगे क्योंकि वो कभी चाय पीती नहीं है, हमेशा दूध ही पीती है तीनों टाइम भाई। और मेरे बच्चे भी चाय नहीं पीते हैं, बच्चों को मैंने ना कभी चाय का टेस्ट दिया ही नहीं कि चाय होती कैसी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसकी लत लग गई है चाय की, और मैं इसको छोड़ना भी चाहूँ ना तो मैं नहीं छोड़ पा रही इसको। मुझे सुबह 8 बजे चाय की इतनी होती है कि तलब की पी लूँ उसको, मैं छोड़ चाहती हूँ कि मैं इसको छोड़ दूँ पर छूटती नहीं है,
और 4 बजे का जब जैसे ही टाइम होता है तो चाय पीने का मन करता है। इसीलिए बच्चों को तो कभी आदत लगाई ही नहीं। तो बड़ा बेटा मेरा 20 साल का है, छोटा मेरा 17 साल का है, उनको चाय का नहीं पता। मैं तो अब ना कंबल में बैठी हुई हूँ ओढ़ाढ़ के, थोड़ी सी गर्माश आ जाएगी और चाय पी के। अभी वैसे तो है ना 4:15 हो गए हैं क्योंकि आए हैं अभी काम कर रहे हैं, और मैं बैठ गई कंबल में। तो 5 साढ़े 5 बजे तक मैं तो निकलूंगी नहीं, भले ही मुझे कपड़े तो धोने हैं पर एक बार शरीर को गर्माइश मिल जाएगी ना तो फिर आराम मिल जाएगा। तो भैया आप भी आ जाओ, ये चाय बनाकर लेकर आने ही वाले हैं, और मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं। वैसे मैंने सोचा था कि 5:30 बजे तक है ना मैं लेटी रहूँगी, फिर मुझे ध्यान आया कि 6 बजे अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए, इसलिए मैं 4:45 बजे उठ के जाके अपने कपड़े उपड़े धोने में लग गई। और अब कपड़े धो के आई हूँ ना तो अब तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, सांस लेना ही मुश्किल हो गया है। और अभी तो ये कपड़े भी सुखाने हैं, बाहर डालो तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी ओस गिरेगी ना रात को कि सारे गिले हो जाएंगे। परंतु एक कमरा है ऊपर जो बिल्कुल खाली पड़ा है, वैसे मैं यहाँ रेंट पे ही रहती हूँ तो ऊपर का भी है, कोई किराएदार उसमें नहीं आया अभी तक, तो खाली पड़ा है। तो मैंने उसमें 2 रस्सियाँ वगैरह बांध दी हैं, ये सारे कपड़े ले जाकर वहाँ डाल दूंगी और पड़े रहेंगे वहीं पर अपना सूखते रहेंगे। अगर धूप निकलेगी कल तो मैं तो जाऊंगी रोहतक, इनको बोल दूंगी ये डाल देंगे बाहर धूप में और उतार भी देंगे। अगर धूप नहीं निकली तो फिर ये है ना कि देखना नहीं पड़ेगा किसी को भी, पड़े रहेंगे अंदर। परसों देख लूंगी आ करके, मेरा काम तो कम से कम फिनिश हो गया, ये नहीं लग रहा कि हाँ। पर पता है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने नीटिंग का ना जरा सा भी काम नहीं किया, और नीटिंग मेरा एक जुनून है। जब तक मैं सर्दियों में थोड़ी बहुत बुनाई नहीं करती ना, मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा दिन काम किया पर बुनाई नहीं की है, अच्छा नहीं लग रहा है। और अब कपड़े उपड़े सुखा के, खाना वाना बना के, इनको दे के और कंबल ओढ़ के भाई लेट जाऊंगी क्योंकि हालत बड़ी खराब है। और सोते टाइम आज दूध में छुआरे पतासे वगैरह डाल के पीना पड़ेगा, तभी मैं सुबह उठ पाऊंगी। तो फ्रेंड्स सुबह के व्लॉग में आपने देखा था कि सुबह मैंने मटर पनीर और पूरिया वगैरह बनाई थी, और यकीन मानिए अब तक मैंने ना 1 कप चाय सुबह पी थी और 1 कप चाय मैंने अपनी 4 बजे पी है। खाना मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है अब तक। अब दाल बनाऊंगी और 1-2 फुल्का उसके साथ ही खाऊंगी, तब जाके कुछ होगा। क्योंकि जब मेरी कुछ हो जाता है ना, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और ये भी ज़बरदस्ती से ही खाऊंगी। तो ये शाम का मैंने व्लॉग बनाया था और आपने देखा कि हम गौशाला गए थे। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप सबसे भी कि आपको भी जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए,
अगर बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे हम खर्चा इतना करते रहते हैं क्योंकि ज़रूरी है भाई, थोड़ा बहुत हम दान पुण्य के लिए निकाल लें। कुछ लोग कहते हैं ना कि कितना ही कमा लो, साथ तो कुछ चलना नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि गौशाला में, अनाथ आश्रम में, ऐसी जगह जो हम दान दे के आते हैं ना, वो हमारे साथ जरूर जाएगा, कुछ जाए या ना जाए, परंतु वो जरूर जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 2,000, 5,000, 10,000 ही दान करना है, नहीं। अगर हम अपने खर्चे में से 10 रुपये भी निकालते हैं तो वो भी ठीक है, वहाँ पे दान पात्र रखा होता है, तो 10 रुपये वहाँ डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपकी ज़्यादा की श्रद्धा हो तो आप ज़्यादा दे सकती हैं, कोई बात नहीं, आप ज़रूर थोड़ा बहुत निकाला करो, ये हमारा धर्म है, हमें करना चाहिए। आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल रोहतक की क्या क्या करते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय, थैंक यू।